आनंद सा मिल के चला रे बटुहिया, कौन दिशा में। दिस इज इंटरेस्टिंग। तो मेरी लोकेशन देख के आपने ये अंदाजा तो लगा लिया होगा कि मैं कहाँ हूँ। बिल्कुल सही फरमाया आपने, मैं हूँ यूलिया और हैरी की फिनिश कॉटेज में। और आप लोग जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, उनके लिए मैंने डाल दिया है लिंक, देखिए साइड में, जाकर वीडियो को देखिएगा, बहुत मजा आएगा। और आपको याद है ना कि यूलिया और हैरी ने हमारा स्वागत कितने अच्छे से इंडियन फूड खिलाकर किया था। और जहाँ इंडियन फूड की बात आती है, वहाँ मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि मौका भी है और दस्तूर भी, क्यों ना अपने फॉरेनर दोस्तों को इस लोकेशन पर अपने भारत का वो देसी खाना खिलाया जाए जिसका इतिहास मगध काल से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ झारखंड और यूपी की फेमस डिश जो कि है लिट्टी चोखा, जिसे भौरी बाटा भी कहा जाता है और साथ में उसे बाटी चोखा भी कहा जाता है। तो आज बनाएंगे लिट्टी चोखा देसी तरीके से, और साथ में सिर्फ बनाएंगे ही नहीं, अपने दोस्तों को सिखाएंगे, साथ मिलकर बनाएंगे और साथ मिलकर खाएंगे। नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? और आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। और बहुत सारे लोग सजेस्ट कर रहे थे मुझे कि ना आपके जब फ्रेंड्स आए, फॉरेनर फ्रेंड्स, तो आप उनको बाटी चोखा बना के खिलाइएगा। तो मैंने आज डिसाइड किया कि आज बाटी चोखा बनाते हैं, वो भी बिल्कुल पूरे देसी तरीके से, देसी जगह पर होना चाहिए, बनना देसी तरीके से चाहिए। तो चलिए, थैंक यू उन सब के लिए जिन्होंने मुझे ये वाली रेसिपी बनाने के लिए सजेस्ट किया। और बाकी बस वीडियो शुरू करते हैं जल्दी से, क्योंकि बहुत सारा काम बाकी है। और चलिए सबसे पहले चलते हैं एक जगह पे जहाँ से हम शुरू करेंगे अपना जो कोयला और लकड़ी वाला जलाने वाला काम होता है ना, जो बारबेक्यू स्टाइल होता है वो, तो पहले वो लेके आते हैं। देखिए यहाँ है काफी सारी जो वुड होती है, और ये जो वुड है ना, ये पूरे एक साल से यहाँ पर ड्राई हो रही है। और यहाँ पर ये छोटी छोटी लकड़ियाँ जो है वो काट के रख ली थी, तो इनको लेके चलते हैं और जलाते हैं अपने यहाँ पर। देखिए कंडे तो नहीं मिल पाए हैं, जो अपने कंडे होते हैं ना, लेकिन हम जलाएंगे इससे और कोयले से। इसमें लकड़ियाँ जाएंगी, साथ में जाएगा कोयला, और इसके ऊपर जो चोखा बनने का सामान है वो भुनेगा। पहले हम इस पर रखेंगे बैंगन, आलू, टमाटर, और उसके बाद जब तक मैं वहाँ पर बाटी की तैयारी करूँगी, और उसके बाद यहाँ पर बाटी रखेंगे। मेरे लिए भी बहुत नया एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि मैंने भी ऐसे गाँव में जैसे बाटी चोखा बनता है वो मैंने कभी नहीं खाया, बस शहर में ही खाया है। बस शुरू करते हैं, हमारे जो गेस्ट हैं वो हमारे साथ ही हैं, उन्हीं के सामने बनाएंगे आज खाना और उनको यहीं गरम गरम सर्व करेंगे। So do you want to make the fire now? Yes. Okay. यहाँ ना मैंने सारी सब्जियाँ धो ली, और यहाँ इनके फिनिश कॉटेज में ना किसी भी तरह का कोई टैप नहीं लगा, क्योंकि हम बिल्कुल नेचर के पास हैं। आप ये समझ लीजिए ये एक विदेश का गांव है, जिसमें सब कुछ नेचुरल है, पानी भी जो है वो कुएं से आ रहा है। और ये सब आप अगर आपको देखना है तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, तो मैं इसके ऊपर भी एक फुल वीडियो बनाऊंगी कि फिनिश कॉटेजेस कैसे होती हैं। अब यहाँ सब्जियाँ क्योंकि धुल गई थी, तो मैंने बैंगन में चीरा लगा के उसमें गार्लिक भर दिया है, और इस तरीके से जब बैंगन का जो चोखा बनेगा वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही स्वादिष्ट बनता है इस तरीके से। यहाँ मैं थोड़ा सा जो सरसों का तेल है वो मैं उसके ऊपर लगा रही हूँ, और अब हम उसको रख देंगे जो हमारा अंगीठी है उसके ऊपर। तो यहाँ पर हैरी कर रहे हैं हमारी हेल्प लकड़ियाँ जलाने में, और पहले लकड़ियाँ जलेंगी और उसके बाद हम रख देंगे इसके ऊपर कोयला जो कि हम लेकर आए थे। और लकड़ियाँ आप देखेंगे वन गो में लकड़ी जल गई, मतलब नॉर्मली तो लकड़ियाँ ऐसे जलती नहीं है, क्योंकि ये इतनी ड्राई लकड़ी है और इन्होंने यहाँ पर अपनी कॉटेज में इकट्ठी करके रखी हैं, सालों साल से रखी हैं। और यहाँ पर अब इसमें अंकुश कोयला रख रहे हैं, और इसके ऊपर जाएगा बैंगन, टमाटर, आलू और हरी मिर्च। हम्म,
चने के सत्तू में हम लोग मिलाएंगे तो यहाँ मैं लिट्टी की स्टफिंग तैयार कर रही थी, चने का सत्तू था मेरे पास और उसमें क्या क्या मसाले पड़ते हैं वो मैं यूलिया को बता रही थी। सरसों का तेल जाएगा, प्याज जाएगी, हरी मिर्च जाएगी, और जैसे ही मैंने उसे बताया कि इसमें जो लाल मिर्च का अचार होता है वो भी जाता है, तो देखिए कैसे जोर जोर से हंसने लगे। तो मैंने कहा था ना कि आज सिर्फ बना के खिलाएंगे ही नहीं बल्कि उनको सिखाएंगे भी। तो यहाँ पर यूलिया ने चार्ज ले लिया है और मैं यूलिया को बता रही थी कि कितनी कितनी क्वांटिटी में चने के सत्तू में क्या क्या मिलाया जाता है जिससे जो लिट्टी हो वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बने। तो यहाँ मैं उसको सब चीज़ें बता रही थी और वो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेके सब चीज़ें मिला रही थी। सब चीज़ें मिलाने के बाद जब मैंने सरसों का तेल मिलाया ना तो वो काफ़ी सरप्राइज हो गए कि ये कौन सा ऑयल मिला दिया, क्योंकि उसे इस सरसों के तेल का कोई आइडिया नहीं था और इसीलिए उसने इस तेल को चख के देखा ऐसे ही कच्चा। Wow, that's a pro. मैंने ना गांव में कभी लिट्टी चोखा बनता नहीं देखा और ना मैंने वो खाया है, तो मैंने वो एक्सपीरियंस नहीं किया। लेकिन आज मैं फिनलैंड में रहकर यू नो पूरी देसी फीलिंग हो रही है मुझे, मैं उतने ही चाव से बना रही हूँ, उतना ही मज़ा मुझे आ रहा है। और अगर आप लोगों में से आपने यूपी बिहार के गाँव का लिट्टी चोखा बनता देखा है और खाया है तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर लिखिएगा। टमाटर भी हमारे हो गए, आलू को थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आलू नहीं हो पा रहा अभी, और ये वाला बैगन भी रह गया है थोड़ा सा, ये भी बाकी है, ये वैसा हो गया पूरी तरीके से, ये और हो गया। क्या कर रहे हैं रुचिका? बस यहाँ पर अभी बैगन टमाटर ये जो भून गए हैं ना उनको छील रहे हैं, बस थोड़ा सा छीलते हैं और बस एक बार मैं इसको जो मैं बैगन का नॉर्मली जो चोखा है वो ऐसा भी आप बना सकते हैं लेकिन मैं थोड़ा सा फ्राई करके पसंद करते हैं तो वैसा ही बनाने वाली हूँ, जिसमें मस्टर्ड ऑयल जाएगा, साथ में थोड़ा सा गार्लिक जाएगा, अनियन जाएगी, और उसके बाद ये जो हमारा ये बैगन जो है रोस्टेड बैगन ये जाएगा और बनेगा चोखा। आई थिंक यूलिया और हैरी को लोगों ने बहुत पसंद किया। yes. It was because the food was so good. I'm sure other people made it too and they saw that it's so good. They liked your reaction? Yes. Because the food was so good. Ruchika, so you already prepared this the filling? हाँ, तो यहाँ पर हमारी फिलिंग तैयार हो गई है। देखिए बाटी में जाने के लिए यहाँ आटा भी मैंने मल के रख दिया है, यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो चुकी है। इसको बस एक फ्राई देना है तो वो हम बाहर नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हम चलेंगे अंदर अभी कॉटेज में अंदर। और यहाँ पर शुरू कर दी थी लिट्टी भरनी, तो यहाँ पर मैं और यूलिया दोनों मिलकर लिट्टी बना रहे थे और ना साथ मिलकर बनाने का कुछ मज़ा ही अलग होता है। यहाँ मैं यूलिया को ये भी बता रही थी कि जो लिट्टी चोखा होता है वो एक कम्प्लीटली नॉन फ्राइड डिश है और साथ में जो चने का सत्तू होता है वो काफ़ी हेल्दी होता है, पेट के लिए काफ़ी ठंडक पहुँचाता है गर्मियों में। I don't know. I'm getting a feeling that if we stay here for 1 month, he will be pro in Finnish. Yes. He will not speak to us. Well. So लिट्टी तैयार हो चुकी है यहाँ पर और इनको अब सेकने के लिए रख देते हैं। हाँ, जब तक यूलिया और अंकुश लिट्टी को देखेंगे मैं जा के फ्राई कर लेती हूँ चोखा। चोखा रेडी है, देखिए हमारी बाटियाँ हो रही हैं यहाँ पर तैयार।
मैं इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि कोल जो है वो थोड़ा नीचे है ना, तो इसलिए मैं इजीली कर पा रही हूँ। जैसे ही गर्म हो गया है, मैं जैसे ही यहीं पर गर्म कर लिया है, बाटी भी तैयार हो गई है और चोखा भी मैंने अंदर किचन में वो थोड़ा फ्राई किया था तो वो भी बन गया है और उसको सर्व कर रहे हैं दूसरी प्लेट में और सर्व करेंगे किसी स्पेशल प्लेट्स में। तो अभी चलते हैं उधर इनको लेके और बस देखते हैं और हैरी और वीडियो को कैसा लगता है। बाकी हमें तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है और कुछ बस ये पूरा जो है अगर गर्म है तो फिर उसमें दे चलते हैं। यहाँ तैयार हो गया हमारा लिट्टी चोखा और आप देख सकते हैं मैंने कौन सी प्लेट में उन लोगों को सर्व किया है। ये है पत्तल और मुझे लगा लिट्टी चोखा खिलाने के लिए इससे अच्छी प्लेट मेरे पास नहीं हो सकती और लकीली मुझे प्लेट्स इंडियन मार्केट में मिल भी गई थी तो मैं ले आई थी। यहाँ पर मैंने जो लिट्टी है उनको बीच में से तोड़ा और ऊपर से देसी घी खूब सारा डाल दिया। अच्छा सबसे पहली बात ये है कि देसी घी भी उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया है, कभी नहीं खाया है, तो देखते हैं कि अब उनको जो लिट्टी चोखा है वो कैसा लगता है। साथ में मैंने हरी चटनी बनाई थी तो हरी चटनी भी है, लिट्टी चोखा है और अब देखते हैं उनको कैसा लगता है। With hands or with forks? We eat it like this. You broke it. I don't want. Okay. Take this. Okay. Let's give it a try. It's a bit hot. How good? Mama, hot. Karam hai, bahut karam hai. Oh, yeah, the cream one is the hot one. Oh. Not spicy, but hot. No. Yes. The more deeper you go with this litty, you'll get more flavor. I think I need two cans of yogurt because it's a bit spicy. This. Okay. This is spicy, yes. But I like spicy, but I can't eat. It's very good. This tea is so interesting. Yes, a bit. And the fact that it's with flour, it's so good. Litti, and this is choka. So like this, you eat litti with choka. So that is one of the famous dish in India. Okay. Yes. Litti. Litti and choka. Choka. Yes. Litti and choka. Yes. Thanks. The foreigner way. Prepare in village where we have less resources. So but it's so very very famous in all over India. So now everywhere you can get this. So litti chokha. So Harry, how did you like it? It was very nice. it's just by this that you crack open that and then take this. There were many, just that experience was nice and the taste was, it was very nice. I liked this green stuff very much. It was very nice and also this, but when you mix them all together, it is very nice. Nice taste. Okay, and what about Julia? I usually don't eat so spicy, but I was lucky to have the yogurt. But I liked it. I didn't realize that it would be so tasty. It was like really, really good and crunchy and also spicy. And the combination of tastes was very nice. Like you said. Yes. Okay. Thank you, Harry and Julia. Thank you. बताओ ये
लिली आंटी ने सब्जी बनाई थी वो लिट्टी चोखा बनाया था वो उंगलियां ही चाटती रहे बस चाटते चाटते और इतना टेस्टी लगा वो तो बोल रहे थे और बनाना है। उसके बाद कैसा लगा मम्मा का वीडियो चैनल? तो देखा आप लोगों ने लिट्टी चोखा बनाया हमने वो भी फिनलैंड में। और आज की वीडियो गेम ना कुछ खास बातें हैं जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, जैसे कि मैं हर वीडियो में करती हूँ आप लोगों के साथ। तो जब मैं खाना मतलब मैं लिट्टी चोखा जब परसने वाली थी ना तो मैंने प्लेट्स लगा दी थी तो उन लोगों ने छुरी कांटा ले लिया। तो फिर जब मैंने उनको परसा तो मैंने उन्हें बताया कि ये जो है मतलब लिट्टी चोखा जो है ये तो छुरी कांटे से आप खा ही नहीं सकते, खाने का असली मज़ा है कि जब हम हाथ से खाएँ कोई भी चीज़ को। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट था। दूसरी एक और चीज़ थी, जैसे मैंने देसी घी उनको दिखाया कि देसी घी में लिट्टी जब तोड़ रही थी और उसमें देसी घी डाल रही थी तो वो मुझसे पूछे थे कि ये क्या है, क्योंकि देसी घी उन्होंने कभी चखा ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं था कि देसी घी होता क्या है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ कि किसी ने देसी घी ना देखा हो अपनी पूरी लाइफ में। और उसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि मस्टर्ड ऑयल जब मैं उसमें बैंगन का चोखा बनाने के लिए या बैंगन पे जब लगा रही थी और सत्तू में भी जब मैं मिला रही थी तो वहाँ पर यूलिया बड़ी सरप्राइज हो गई थी कि ये कौन सा तेल है, मतलब ये कौन सा ऑयल होता है, ये तो हमने कभी नहीं देखा। उसने चख के भी देखा। तो आप हम लोग मतलब हम इंडियन जैसे हैं तो हम कभी इमेजिन नहीं कर सकते कि अपनी पूरी लाइफ में हमने कभी सरसों का तेल ना देखा हो या देसी घी ना खाया हो। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी मुझे भी बड़ा सरप्राइज़ लगा कि अरे यार देखा नहीं है। लेकिन वाकई में अगर मैं बात करूँ फिनलैंड की तो यहाँ पर ना फिनिश मार्केट में भी कोई सरसों का तेल हो या आपको देसी घी हो ये नहीं मिलता है। यहाँ पर नॉर्मल जो वेजिटेबल ऑयल होता है या साथ में ऑलिव ऑयल होता है यही सब मिलता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था, साथ में लिट्टी चोखा उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। और सही कहूँ तो मतलब मेरी दिल्ली ख्वाहिश भी पूरी हो गई क्योंकि मैं बहुत टाइम से चाह रही थी कि मैं लिट्टी चोखा बनाऊँ। लेकिन क्या होता है कि यहाँ जैसे हमारी ये बालकनी है हम यहाँ भी कोयला रख के या कुछ बारबेक्यू जैसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर जगह है जहाँ पर जाके आ सकते हो लेकिन ना घरों में अलाउड है ना बालकनी में ना आपके जो मेन ग्राउंड्स होते हैं उसमें अलाउड होता है। मतलब हमारे जो व्यूवर्स हैं वो भी बहुत सजेस्ट कर रहे थे मुझे कि लिट्टी चोखा बनाइए। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि अगली बार आपके दोस्त आएँ तो ये वाली देसी डिश बनाइए। और वाकई में ये मौका आ गया, मैं भी बड़ी खुश हुई क्योंकि साथ बनाकर खाने का जो मज़ा होता है ना वो एक अलग ही होता है। वो इसके लिए बहुत कंसर्न थी ना कि बहुत मिर्ची वाला नहीं हो ये। हाँ तो रुचिका एक्चुअली क्या कर रही थी, रुचिका ने दिखाया उसे लाल मिर्च का अचार। तो उसने देखा और वो कहने लगी लगता है मैं इसको खा नहीं पाऊंगी। तो रुचिका बोली नहीं नहीं ज्यादा तीखा नहीं होता, ये अपने हिसाब से बोल रही है कि ज्यादा तीखा नहीं होता। लेकिन वो कह रही कैसी बात कर रही है यार कि लाल मिर्च का अचार है और तीखा नहीं लगता। लेकिन अगर आप उंगली चाटने लगे और हम लोगों को क्या है ना कि जैसे आपने देखा भी होगा कि यूलिया मतलब अगर मैं यूलिया की बात करूँ तो यूलिया कई बार बोल रही है कि आई लाइक स्पाइसी फूड आई लाइक, लेकिन उसको मिर्च भी लग रही थी। साथ में उसने अपने मतलब वहीं पर योगर्ट रखा था, योगर्ट के साथ भी मिला के उसने लिट्टी चोखा खाया लेकिन वो बहुत चाव के साथ खाया। तो वाकई में उन लोगों को बहुत अच्छा लगा और हमको भी बहुत अच्छा लगा। तो आई होप आप लोगों को भी उतना ही अच्छा लगा होगा, जितना मज़ा हमें आया उतना भी आपको भी आया होगा। बस वीडियो के साथ ऐसे ही बने रहिएगा। जो अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी है जहाँ पर यूलिया ने हमारे लिए इंडियन फूड कुक किया था वो भी देखिएगा। और आगे जो वीडियो है वो भी होने वाली है क्योंकि उसमें मैं पूरा जो फिनिश कॉटेज का कल्चर है वो दिखाने वाली हूँ, पूरी फिनिश कॉटेज कैसी है यहाँ पर वो दिखाऊंगी। तो उस चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बस अगली वीडियो तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा एंड नमस्कार।